हेलो दोस्तों, सुबह भैया नमस्कार। और मेरा अभी तक भी यहाँ नंबर नहीं आया, कब से मैं कंपनी में खड़ा हूँ इधर को। और पार्टी वाले से मैंने बात कर ली भाई, अगर खाली करवा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अपने सेठ से बात कर लेता हूँ, फिर वो अपने हिसाब से खाली करवाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों माय न्यू व्लॉग में आप सभी का। और सभी भाई ने गुड मॉर्निंग, और सभी भाई ने जय श्री राम। और अभी बज रहा है सुबह का 7 और मैं पहुंच गया हूं अपने यहाँ जाकेंद्रा। जाकेंद्रा मेरा मोरबी यहाँ से होगा कम से कम, मतलब 70-80 किलोमीटर होगा, तो मेरे को वहाँ पहुँचने में लग जाएगा कम से कम 9-9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, आपका भाई ना पहुँच जाएगा। और अभी देख सकते हो सुबह का बजराज साथ। फिर राकेश को बोला थोड़ा शीशा वीशा कपड़ा बड़ा मार दे, फिर निकलते हैं। तो हम यहाँ रुके थे भैया के यहाँ, चाय वाय पी ली, अब यहाँ से निकलते हैं अपन। तो देखते हैं मोरवी कब तक पहुँचते हैं अपन, तो अपन अब निकलते हैं बस। आपका भाई निकल चुका है वहाँ से, राकेश बैठा है, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। अब मोरी पहुँचते हैं, मोरी पहुँच के गाड़ी को खाली वाली करके फिर फ़ोन कर देंगे पार्टी वाले को, भैया हमारी गाड़ी हो गई खाली, अपनी रानी हो गई खाली, अब माल देखो जल्दी से और वापस भरो, क्योंकि होली भी आ गई और आप सभी को हैप्पी होली। और क्योंकि हमारे को अब घर पे जाना है तो हम भी जाएंगे, तो सेठ को बोल देंगे भाई ये एक चक्री लगेगा भाई साहब, अब हम भी घर जाएंगे फिर होली के बाद वापस आ जाएंगे। तो राकेश जाएगा घर पर चलेगा, अरे यार तू क्या करेगा उधर जाएंगे भाई, होली आ रही है। तो राकेश बोल रहा है मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों ना जाऊं भाई। तो देखते हैं फिर मोरी पल के पहुँच, सॉरी मोरी पहुँच के खाली करके फिर बरपुरा के निकलेंगे। फिर सेठ के वहाँ हमारे क्या है कि गाड़ी का छोटा मोटा काम करवाना। अब ये गाड़ी मैं नहीं चलाता था, पहले मेरे मामा जी चलाते थे क्योंकि वो रहते थे अकेले, तो इनका सब सीट वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट करवाना है और हमारे पार्किंग वगैरह लगवाना है। बाकी छोटा मोटा जितना भी काम है वो मैं करवा दूंगा, और मैं ज़्यादा ज़रूरी हो और अंदर से ज़्यादा सही करवाना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि सीट वगैरह सब फटे हुए एकदम, समझे हो ना। फिर भी क्या करें यार, नौकरी करनी पड़ती है, पुरानी गाड़ी है तो देखना पड़ता है हमारे को, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई सी भी गाड़ी हो अपनी रानी तो अपनी रानी है, अपना घर है ये, मैं तो अपनी घर जैसा समझता हूँ। राकेश समझता है कि नहीं समझता है? हम यही सोते हैं हमारा घर है, हमारी लक्ष्मी है, सब कुछ यही है। तो इसको हम इस बार करवा देंगे क्योंकि होली के 1-2 दिन रह जाएंगी, तो 2 दिन से पहले हम जो हमारे जो भी करवाना है सब करवा लेंगे काम, गाड़ी का पूरा। और पीछे हमारे पुट्टा को भी सही करवाना है तो उसको भी करवा लेंगे, और बाकी पार्किंग वगैरह लगवानी वो भी लगवा लेंगे। तो आप यार वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपका फेस तो सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ कर देना। और आपके आप सभी के परिवार को और आपको हैप्पी होली दिल से। और अब मैं जा रहा हूँ, अब पहुँच जाऊँगा मैं 10 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा मोरबी, फिर मोरबी खाली करके आपके मैं चला जाएगा भरने के लिए पार्टी वाले से बात करके। तो मैं अब चाहता हूँ मोरबी, तो आपसे मिलते हैं सीधा फैक्ट्री में। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर आके बिल विल दे के गाड़ी को लगा दिया पार्किंग में, और अब हमारा आएगा सैंपल। कम से कम अभी बज रहा है 12:30 बज रहा है, तो मैं रास्ते में क्या है कि थोड़ा लपड़ा हो गया था हमारे पुलिस वाले के, तो वहाँ हम फंस गए थे। वहाँ से सेठ जी ने बात करवाया, फिर बात बात करिए वहाँ से निकले अब आए इधर। अब फैक्ट्री के अंदर हम आ चुके हैं, अब फैक्ट्री के अंदर हमारा सैंपल वैम्पल आने के बाद फिर खाली होने के लिए लगाएंगे, तो वो काटा है सैंपल आने के बाद वो काटा करवाएगी, फिर गाड़ी अंदर जाएगी। तो देखते हैं हमारा सैंपल कब आ, खाली होने का नंबर आ गया है और मैं लिया है गाड़ी काटे पे, और राकेश गया है जो पर्ची लेके आ जाएगा, तो फिर मैं गाड़ी को लगाऊंगा काटे पे। तो देखते हैं राकेश कब तक आता है, या फिर वो मेरे को फ़ोन कर देगा भैया काटे पे ले लो गाड़ी, तो या तो फ़ोन करेगा या आएगा फिर मैं काटे पे ले लूँगा गाड़ी को। तो देखते हैं कब आता है राकेश। कहाँ रहते हो भैया, कहाँ रहते हो? हाँ अच्छा, वो पानी पीने का नहीं है? हा? वो पानी पीने का नहीं है, वो वाला पानी क्यों? ये गंदा पानी, गंदा पानी है क्या? पानी का बोल पानी, अच्छा पानी। अरे यार मेरे को पता नहीं था, मैंने तो पी लिया यार, मैंने तो पी लिया यार, मैं पहले भी इधर आया हूँ एक बार, मैं तो पीता हूँ इसलिए मैंने तो पी लिया, मेरे को पता नहीं था यार। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, ज्यादा गंदा तो नहीं है? क्या हुआ, क्या लगता
आज ज्यादा गंदा तो नहीं है ना वो पानी? हाँ ये मेरा गाड़ी है, मेरा नहीं सेट का है। अरे मेरा नहीं, ये सेट का है, मैं तो चलाता हूँ। तुम्हारा तेरा कुछ है? अरे रे रे रे, सपने तो तेरे बहुत बड़े हैं यार। मेरे को दे दे ये। तो ले जाना भाई, मैंने कब मना किया, उठा ले। हो गया 100 रुपया? दे दे 500। हाँ तो मेरे को दे दे 500 में, ये गाड़ी को ले जा। और क्या ला 500? ला 500 देना भाई, तू लेके जा गाड़ी को। तू ही तो बोल रहा है 500 दे दूं फिर गाड़ी को नहीं लेके जाऊं, तो 500 देना। आए ला देना फिर गाड़ी को लेके जा। ला तू देगा तब ना। चाबी ला। अरे भाई चाबी को क्या करेगा बता? देख रहे हो भाई इसको कितना छोटा है, फिर भी देख लो यार कितनी बड़ी बड़ी सोच है इसकी। मैं गाड़ी को मैं लेके जाऊंगा, तेरे को 500 देंगे, ये सब बोल रहा भाई। चलो राखिया जा जाए, फिर मैं काटा करवाता हूँ। ए बच्चों जा जा अपने घर पे जा 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 जा। हेलो दोस्तों, तो मेरा गाड़ी हो गया फेल, बिल वगैरह वापस दे दिया राकेश को मैंने उधर भेजा था, तो राकेश ने खबर सुनाई भाई अपना गाड़ी हो गया फेल। फिर राकेश आया इधर, गाड़ी को वापस पीछे लगा दिया। अब पार्टी से बात होगी इधर कंपनी में, उसको बोल दिया मैंने भाई बात कर लो, गाड़ी हमारा हो गया फेल। तो देखते हैं अब क्या सीन है, वो बात करेगा तो फिर टाइम भी हो गया, 6-7 बजने वाला है, तो हम खाना पीना भी बना ही लेंगे। अगर हमारा गाड़ी पास नहीं होगा तो फिर खाना पीना बना कर ही इधर से जाएंगे दूसरी कंपनी में। तो देखते हैं अभी वो बात करे तो क्या रिपोर्ट आती है, फिर अगर इधर ही खाली होगा तो फिर खाना बना लेंगे इधर ही, अगर नहीं होगा तो फिर खा पी के चले जाएंगे दूसरी कंपनी। तो देखते हैं क्या होता है। तो पार्टी वाले से बात हुई तो सैंपल एक बार और लेगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ तो एक बार और सैंपल लेने के बाद फिर हमारा कंफर्म होगा सैंपल। तो अभी तो गाड़ी हमारा खाली नहीं होगा, तो मैंने राकेश को बोला खाना वाना बना लेते हैं, खाना पीना बना के और फिर खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि नंबर हमारा सुबह आएगा। तो हमारी बन रही है दाल, डाल दी मैंने, और दाल निकालने के बाद फिर दाल को बनाएंगे, बना के खा पी के सो जाएंगे, फिर सुबह हमारी गाड़ी खाली होगी। तो देखते हैं सुबह क्या होता है, तो अभी के लिए तो खाना वाना बना के खा लेते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी भाइयों ने, जय श्री राम। और मेरा गाड़ी इधर खाली नहीं हुआ, और अभी मैंने बात किया तो हमारा, मैं गेट वाले से जाके पूछ के आया, भैया यार हमारा सैंपल एक बार और लेने के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई हमारे को कंपनी की तरफ से फ़ोन आएगा तो हम सैंपल लेंगे। तो फिर मैंने पार्टी वाले से बात करी, यार भैया क्या सीन है, तो उन्होंने बोला वो सैंपल लेंगे या ना लेंगे पर आपका गाड़ी इधर ही खाली होगा। तो मैंने राकेश को बोला चल ठीक है, तो वो बोल रहा 10 बजे के बाद होगा, तो अभी 9 बज रहा है भाई, 1 घंटा और बाकी है। तो मैंने राकेश को बोला कि छाछ ले लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, रात को बनाया था सुबह का भी बना लिया, तो छाछ ले आए हम, तो फिर खाना होना खाना पीना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। हेलो दोस्तों सभी भाई नमस्कार, और मेरा अभी तक भी यहाँ नंबर नहीं आया, कब से मैं कंपनी में खड़ा हूँ इधर को, और पार्टी वाले से मैंने बात कर ली भाई अगर खाली करवा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अपने सेठ से बात कर लेता हूँ, फिर वो अपने हिसाब से खाली करवाएंगे। तो उन्होंने बोला यार थोड़ी देर रुक जाओ, कोई आएगा तुम्हारे पास सैंपल लेने के लिए तो वो सैंपल ले लेगा। तो मैं कम से कम इधर 4-5 घंटे से खड़ा हूँ, और गाड़ी हमारा कल ही इधर खाली होना था, पर फेल होने के खातिर खाली नहीं हुआ, तो उसने बोला इधर ही खाली होगा, मैं बात कर लूँगा उनसे। तो मैं उसे सुबह से बात ही कर ही रहा हूँ, अभी तक भी उसने बोला हाँ आ रहा है, हाँ बंदा आ रहा है, अभी तक भी नहीं हो रहा, क्योंकि खड़ा रहने से हमारी गाड़ी काम नहीं चलने वाला है। तो देखते हैं फिर, मैं अपनी सेठ को बोल ही देता हूँ कि यहाँ तो खाली वाली नहीं हो रहा है, और आपके हिसाब से बात कर लो आप। तो देखते हैं, मैं एक बार सेठ को फ़ोन कर देता हूँ, भाई उससे आप बात कर लेना पार्टी वाले से, इधर तो खाली नहीं हो रहा, कोई आया भी नहीं अभी तक, वो कब से मेरे को बोल रहा है कोई बंदा आ रहा है तुम्हारे पास, आएगा सैंपल ले लेगा एक बार और एक बार और सैंपल लेके फिर तुम्हारी गाड़ी खाली हो जाएगी। अगर सैंपल लेंगे या ना लेंगे तो तुम्हारी गाड़ी इधर ही खाली होगी, ऐसा बोल रहा है, तो मैं उनको बोल देता हूँ ऐसा बोल रहा है, फिर सेठ उनसे एक बार बात कर लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया ने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके टेस्ट अभी गया वो, और सैंपल आएगा 2-3 बजे के आसपास आएगा, तो एक तो बच गया, तो वो बोला कि आ जाएगा।
फेल हो गई तो फिर दूसरी कंपनी में हमारे को जाना ही पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है यार। तो आज की व्लॉग यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दबा, सपोर्ट दो आपके भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।